पे बैक टू सोसाइटी का आइडिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, जो चाहते थे कि समाज के पढ़े लिखे लोग, जिनको संवैधानिक प्रावधान जो भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स मिले हैं, चाहे वो रिजर्वेशन के रूप में या और दूसरी फैसिलिटीज़ के रूप में, अगर वो सक्षम होते हैं, अगर वो कहीं अच्छी पोजीशंस पे सेटल्ड होते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस समाज के नाम पर उनको ये बेनिफिट्स मिले हैं, उस समाज के उन लोगों को जो इन पोजीशंस तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनको अपनी तरफ से कुछ, जो भी मेरे पास समय है, जो भी मेरे पास सोच है, जो भी मेरे पास संसाधन है, उनको शेयर करो। गांवों के अंदर बिजली नहीं है, गांवों के अंदर जो है पढ़ाई की सुविधा नहीं है, गांवों के अंदर उस तरह की गाइडेंस नहीं है, इसलिए हमें लगा कि हम ग्रामीण प्रवेश के बच्चों को, सेमी अर्बन लोकेशंस में रहने वाले बच्चों को यहाँ पे बुलाएं, यहाँ पे रखें और उनको अपने कैरियर को डेवलप करने का, बनाने का अवसर प्रदान करें। ये हमारी बुनियादी सोच थी। उस बुनियादी सोच के आधार पे कुछ साथियों ने एक समूह का निर्माण किया, एक छोटे मोटे ग्रुप को हमने डेवलप करने का प्रयास किया, मिशन पे बैक टू सोसाइटी के नाम से एक ट्रस्ट बनाया। उसी के तहत हमने डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी की स्थापना की है। उस एकेडमी में 3-4 बैच अभी हम लोग स्टार्ट कर पाए हैं। 3-4 बैच के स्टूडेंट्स को लाके गांवों से यहाँ पे हमने उनको कुछ सुविधाएं देने की बात की है। किसी विद्यार्थी को जो सुविधाएं चाहिए, उसको किताबें चाहिए, उसको बिजली चाहिए, उसको खाना चाहिए, ये यहाँ पे एकदम सही स्थिति में है। कम से कम जो गांव में फैसिलिटीज उनको नहीं मिल रही थी, वो यहाँ पे हैं। तैयारी कर रहा था कानपुर में, तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली यहाँ के एकेडमी के बारे में कि यहाँ पे तैयारी होती है और बहुत ही अच्छे टीचर और फैकल्टी यहाँ उपलब्ध है। तो हम यहाँ पे इंट्रेंस लिया, उसके बाद हम यहाँ पे आए और मैंने यहाँ रह के तैयारी की। सिविल सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा 2016 पास की है और उसके बाद में फिर मैंने मेन दिया है और अभी 3 जून का फिर मैंने परीक्षा पास की। इसके अलावा PCS का मेन भी मुझे देना है 2017 का। सबसे बढ़िया बात तो यहाँ पे यह है कि मतलब यहाँ पे टीचर अवेलेबल हैं और साथ में जो यो इस एकेडमी के एडमिनिस्ट्रेटर जितने भी लोग हैं वो इतने मतलब कोऑपरेटिव लोग हैं और मतलब आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं बताने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपके करियर से रिलेटेड और आपके मोटिवेशन रिलेटेड, लाइफ मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे सब में अच्छे से हेल्प करते हैं। और शायद यही वजह है कि मैं PCS 3 इस बार मतलब निकाल पाया हूँ और भी काफ़ी मतलब एग्ज़ाम मतलब क्लियर किए हैं। मेन टारगेट तो PCS ही है। मेरा नाम अखिलेश कुमार है और मैं UP से डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर 10 महीने से तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पर पूरे इंडिया से हमारे बहुजन समाज के लोग जो अधिकारी रेंज पर हैं तो सब मिलने के लिए आते हैं और वो हमें मोटिवेट करते हैं। बैंक में स्टूडेंट्स हमारे गए हैं, रेलवेज में हमारे स्टूडेंट गए हैं, हाईकोर्ट में क्लर्क के रूप में हमारे यहाँ से स्टूडेंट गए हैं, हमारे यहाँ पोस्टल सर्विसेज में गए हुए हैं और पुलिस में कई सारे हमारे स्टूडेंट्स गए हुए हैं, टीचर एक दो स्टूडेंट्स हमारे बने हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हर क्षेत्र में यहाँ से स्टूडेंट्स निकल रहे हैं। मसोता संपर्क मार्ग जिंदल नगर NH 24 पुलकवा और गाजियाबाद के बीच में है। गाजियाबाद टोल टैक्स प्लाजा से अगर आप 6 किलोमीटर साउथ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो फिर आप अंबेडकर एकेडमी तक पहुंच सकते हैं। गूगल मैप के थ्रू भी आप इस एकेडमी तक पहुंच सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी है mpbsindia.com, उसके थ्रू भी आप जो है हमारी लोकेशन को देख सकते हैं, यहां तक पहुंच सकते हैं। कोई साथी
ट्रेन से आ रहा है तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन यहाँ पे जो बड़ा रेलवे स्टेशन है वो गाजियाबाद है, गाजियाबाद उतर के वो फिर आ सकता है। अदरवाइज बस के द्वारा अगर कोई साथी आ रहा है तो वो आनंद विहार से या गाजियाबाद से जो मुरादाबाद के लिए बसेज आ रही हैं, हापुड़ के लिए बसेज आ रही हैं, उनमें बैठ के जिंदल नगर पे उनको उतरना होगा। जिंदल नगर से आप यहाँ से बाई वॉक आ सकते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस है 500 मीटर के आसपास से डिस्टेंस है। आप किसी से पूछेंगे तो आप मसौदा संपर्क मार्ग पर आ जाएंगे।